अब एक सवाल दिमाग में आएगा, अगर ये सारा कुछ स्कैम है तो इतने लोग मर क्यों रहे हैं? मुझे पता है इस वक्त आपका इशारा इटली की तरफ है, और आज का स्कोर आप सबको पता है, 11,500 लोग मर गए इटली में इन 2 महीनों में। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप किसकी बात मानेंगे? मीडिया क्या कह रही है ये मानेंगे, या इटली के लोग क्या कह रहे हैं, इटली की हेल्थ मिनिस्ट्री क्या कह रही है ये मानेंगे? मीडिया तो कह रही है 11,500 लोग कोरोना वायरस से मर गए। पिछले कुछ दिनों में मैंने इटली के हेल्थ मिनिस्ट्री से कांटेक्ट करने की कोशिश की, इटली के लोगों से बात करने की कोशिश की। कल मेरी इटली के लोगों से बात हुई, और उसका एक छोटा सा वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, पहले तो उसको देखिए। तो कोई नहीं है बाहर, सब हाँ, जाहिर सी बात है, यहाँ चारों तरफ जितना भी आप घूम सकते हो ना, टोटल 360 डिग्री एक बार दिखाओ ये खाली पड़ा। के। हाँ, चारों तरफ एक भी नहीं, इवन कुत्ता भी नहीं है। ओके, सही है सही है, वंडरफुल। यहाँ पे लोगों को लग रहा है इटली में बहुत लोग मर रहे हैं, बहुत लोग मर रहे हैं, वहाँ एग्जैक्ट स्थिति क्या है? पहले आपकी वीडियो देखने से पहले हमें भी ऐसे लगता था जैसे कोरोना वायरस पता नहीं क्या आ गया। तो आपकी अगर वीडियो सुनी उसके बाद थोड़ी पता चला भी हाँ ये वायरस तो हर एक साल ही आता है। वो बाद में एक इटालियन डॉक्टर है, वो आपकी जो आप बता रहे हैं वैसे ही वो बता रहे थे, अच्छा। और उनका कोई बाहर नहीं इतना दिखाया उन्होंने, ज्यादा दिखा रहे क्योंकि यहाँ इटली में जो एवरेज है एज की मैन और वुमेन की वो 80-84 से ऊपर है। हाँ, एवरेज एज। हाँ, तो जो डेथ हो अगर आप जैसे आप बोल रहे हैं फ्लू आता है तो नॉर्मली जिसको फ्लू आता है वो साल में 20,000 मरते हैं फ्लू से, नॉर्मल फ्लू से, वो यस यस। तो कभी बताते नहीं यहाँ इतने मरे हैं, इतने मरे हैं कैंसर से, इतने मर रहे हैं, या पोल्यूशन हो रहा है उससे मर रहे हैं, वो तो कभी बताते नहीं। अभी ये कोरोना है तो सभी बता रहे हैं, एक एक आता है उसका भी डाल देते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ हुआ था कि इंडिया में एक दिन में 1,000 फिगर दिखा दिया, लेकिन जबकि वहां पे एक दिन में बहुत थोड़े से लोग मरे थे, ऐसा कुछ? एक मैंने एक देखा था आर्टिकल, उसमें लिखा था उन्होंने 1,128 पॉजिटिव पाए गए हैं मरे हैं, पर वो असली में 48 मरे थे। कई आर्टिकल आ रहे हैं उसमें बता रहे हैं यार यहाँ पर इतने मरे थे आप इतने क्यों दिखा रहे हैं, तो उनको दबा दिया जाता है। अच्छा, उन आर्टिकल फिर आगे नहीं आने देते, राइट? नहीं आप कौन से शहर में इटली के इस वक्त? मैं ब्रेशा के, जहाँ पर मेन ये है हमारा तो विलेज है, मतलब मेन बेरगमो और ब्रेशा है नॉर्थ में जहाँ पर ये कोरोना वायरस ज्यादा आया है, और हम 30 किलोमीटर इधर विलेज में रहते हैं। अब आपके स्क्रीन के सामने 20 तारीख तक का नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट, इटली का जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसका रिपोर्ट, उसकी समरी आपके सामने है। समरी के मुताबिक डेथ के समय 48.6% कोरोना पेशेंट के बॉडी में 3 और बीमारियां थी, 26.6% पेशेंट के बॉडी में कोरोना के अलावा 2 और बीमारियां थी, 23.5% पेशेंट के बॉडी में कोरोना वायरस के अलावा 1 और बीमारी थी, सिर्फ 1.2% ऐसे पेशेंट थे जिसके बॉडी में सिर्फ कोरोना वायरस था, कोई और बीमारी नहीं थी। इटली के नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट के अनुसार उनके डेथ सर्टिफिकेट को अगर आप देखें तो सिर्फ 12% लोगों को ही डेथ का कारण कोरोना वायरस बताया गया है। यानी कि आज का आंकड़ा अगर देखें तो 11,500 लोग मर गए, इसका 12% निकालें तो इन रियलिटी इनमें से 1380 लोग ही इन रियलिटी कोरोना वायरस से मरे हैं। बोलने का मतलब यह है, ये दो अलग अलग बातें हैं, डाइंग विद कोरोना वायरस और डाइंग फ्रॉम कोरोना वायरस। डाइंग विद कोरोना वायरस का मतलब कोरोना वायरस के साथ मरे, कोरोना वायरस था उस वक्त जब वो मरे थे। डाइंग फ्रॉम मतलब कोरोना वायरस की वजह से मरे। उनका यह मानना है कोरोना वायरस की वजह से जो लोग मरे हैं वो सिर्फ 12% लोग हैं, और बाकी लोग जो डेथ हुआ कोइंसिडेंटली उस वक्त उनके बॉडी में कोरोना वायरस रहा होगा, लेकिन डेथ का एक्चुअल वजह हार्ट डिजीज या डायबिटीज या किडनी फेलियर या कोई और वजह। अभी भी अगर आप कन्विंस नहीं है तो आप ऐसा कीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद एक वेबसाइट में जाइए, वेबसाइट का नाम है euromomo.eu, EuroMomo.eu। इस वेबसाइट में पिछले 5 साल का आंकड़ा होगा यूरोप के सारे देशों की मोर्टलिटी रेट। आप इटली का मोर्टलिटी रेट देखिए पिछले 5 साल का, या फिर आप यूरोप के किसी भी देश का देखिए, आप पाएंगे जितने लोग अभी मर रहे हैं इटली में पिछले साल, और उससे पिछले साल, और उससे पिछले साल, और उससे पिछले साल, इस समय पे इतने ही लोग मरते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस साल जब इटली में लोग मर रहे थे
एक एक मौत को रियल टाइम में सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा था, एक पैनिक क्रिएट किया जा रहा था।